विंध वेलफेयर ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के सौजन्य से रीवा में पिछले दिनों से एक पखवाड़ा चल रहा था, जिसमें मेहंदी और सेमिनार को लेकर लगातार अलग अलग विधाओं में यहां पर मेकअप वर्कशॉप के साथ मेहंदी प्रतियोगिता भी कराई जा रही थी, जिसका आज विधिवत समापन हो गया। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने केक काटकर अपनी सफलता का जश्न भी मनाया। साफ तौर से ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का कहना था, हमने नहीं सोचा था इतने ज़्यादा लोग हमारे कंपटीशन में आ जाएंगे। वो तो हमने जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया था वहाँ पर उनका एक हॉल खाली था, जिसकी वजह से हमें 300 महिलाओं को नीचे के हॉल में और 300 महिलाओं को लगभग ऊपर के हॉल में शिफ्ट करके इस कार्यक्रम को आयोजित कराना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों को हमने अपने पार्टिसिपेट में भाग लेने का मौका देने की कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे। हालांकि हम कुछ लोगों को उसमें भाग नहीं करवा पाए, जिसके चलते हम निकट भविष्य में एक और बड़ी प्रतियोगिता बड़ी जगह पर संपन्न कराएंगे, जिसमें देश के मशहूर कलाकार भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने अभी नाम का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है निकट भविष्य में एक बड़ा आयोजन विंध ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन, जो रीवा सतना सीधी शहडोल को मिलाकर बनाया गया है, रीवा में आयोजित करेगा, जिसमें देश के तमाम ख्याति प्राप्त नाम इस विधा को भाग लेने के लिए रीवा में मौजूद रहेंगे। सुनिए, हमने जब विंध पार्लर एसोसिएशन के कुछ लोगों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था। हमारे विंध वेलफेयर ब्यूटी एसोसिएशन का जो प्रोग्राम था 2 तारीख को, वो बहुत ही अच्छा गया। मतलब उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छा अरेंजमेंट करेंगे। अभी 2 हॉल में हम लोग को कम्बाइन करना पड़ा क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए थे इसलिए, लेकिन आगे जो प्रोग्राम होगा तो शायद बड़े हॉल में हो उम्मीद करते हैं। थैंक यू। हमारा जो भी कार्यक्रम था 2 तारीख से अभी तक शुरू था और आज उसका समापन हुआ है। इस उपलक्ष में हमारी जो प्रेसिडेंट महोदया हैं, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है और ये सक्सेस हम आगे भी मनाते रहेंगे और हमारे एसोसिएशन के प्रोग्राम्स आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। और लोगों ने तो हम लोगों को काफ़ी बधाइयाँ दी कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा था और ऐसे प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहिए और हमारी उम्मीद है कि वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं फेसबुक ब्यूटी एकेडमी में, एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। 2 तारीख का जो सेमिनार हुआ था उसमें सक्सेस पार्टी रखी गई है। थैंक यू। विंध वेलफेयर एसोसिएशन में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया ही था कि हम लोगों की बहुत अच्छी प्लानिंग है आगे चल के लेडीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर्पज़ में हमने एक प्रोग्राम सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छा रहा हमारा 2 तारीख वाला मेहंदी कॉम्पिटिशन का प्रोग्राम, जिसमें कि जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके बाद भी हमारे अच्छे कुछ प्लान्स हैं और जैसे हम पार्लर पे बहुत सारा वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, पर अभी हम उसको आपके सामने बता नहीं सकते हैं, तो वो एक आपके लिए सरप्राइज़ होगा। थोड़े टाइम के बाद हम उसको आपके सामने बताएंगे कि कैसा क्या करना है, हमारी प्लानिंग क्या होगी। थैंक यू। इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगनर हैं हमारे, उनको बहुत उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई सीख मिली है। स्टेज पे कैसे प्रोग्राम होते हैं उनको इसके बारे में पता चला है। मेकअप के साथ साथ उन्हें जैसे हमारे नए ये मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे, उनके बारे में उनके पता चला उनको, इससे बहुत सारी उनको बेनिफिट्स हुए हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए अंजुम मैम के लिए और हमारी पूरी टीम को, फिर भैया को। हमारा जो कार्यक्रम था 2 तारीख का मेहंदी कॉम्पिटिशन और मेकअप को लेके जो हमारी पूरा दिन का कार्यक्रम था, ये मेहंदी कॉम्पिटिशन हमारा सीज़न 2 था और हम लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी। हम लोगों को आइडिया था कि लगभग 200-250 पब्लिक हमारे इस कार्यक्रम में आएगी, लेकिन ऐसी सफलता और ऐसी भीड़ हमने पहली बार देखी कि हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पार्टिसिपेट्स को मना करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। और इत्तेफाक एक ऐसा था कि जिस हॉल को हम लोगों ने बुक किया था
उसमें 300 लोगों की कैपेसिटी थी और मेहंदी कॉम्पिटिशन में ही करीब 150 लोग आ गए और 150 लोगों के साथ 150 मॉडल थे, तो 300 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। इस वजह से हमको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और इत्तेफाक से उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट का हॉल खाली था तो हमको हॉल मिल गया और हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा सफल होगा, हम लोगों की उम्मीद से परे था। तो ऐसे आयोजन हमारे ये सीज़न 2 था, नेक्स्ट सेशन में हमारा सीज़न 3 होगा। तो मैं तमाम पार्टिसिपेट्स मेहंदी कॉम्पिटिशन वालों से, सभी लोगों से, ब्यूटिशन से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी तैयारी करते रहें नेक्स्ट सीज़न 3 के लिए। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ हमारी टीम, हमारी विंध्य वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे बीच बीच में आयोजन सेलेक्ट सीजन में करती रहेगी और हम लोगों को स्टेज देते रहेंगे, प्लेटफॉर्म देते रहेंगे और नई नई चीज़ हम लेकर आएंगे। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आशा है। और इस कार्यक्रम को इतना अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी। और हमारे जो ऐसे संयोजक जो कई टाइम से ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं, वो हैं नाज हर्बल, मिस्टर मुशीर खान जी को मैं बधाई देती हूँ तहे दिल से। हमारी पूरी टीम मुशीर जी को बधाई देना चाहेगी कि उनकी ऐसे अथक प्रयासों से ये हमारा कार्यक्रम इतना सफल हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।